सन 18 जनवरी 2006 जगह मध्य प्रदेश का एक जिला विशाखापट्टनम की एक बिल्डिंग के फ्लोर नंबर 15 में रहने वाले एक शादीशुदा कपल का 22 जनवरी 2006 को झगड़ा होता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि रजनीश एक नाइफ लेकर अपनी वाइफ प्रमिता का गला ही काट देता है। और अब आपको क्या लगता है कि कहानी यहीं पर खत्म हो जाती थी? आज की यह कहानी इतनी डरा देने वाली कहानी है कि अगर आप इसे लास्ट तक सुन लेते हो तो आप सचमुच हिम्मत वाले हो। स्टोरी शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आज की ये स्टोरी आप अपनी आंखें बंद करके भी सुन सकते हो। सारे विजुअल आपका दिमाग खुद बनाएगा। आंखें खोलकर देखना चाहते हो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर कहानी का लुत्फ उठाना है तो अपनी आंखें बंद कर लो और कान में हेडफोन लगा लो। तो चलिए चलते हैं आज की ट्रू स्टोरी पर। दिन 22 जनवरी 2006 प्रमिता रजनीश का बेड पर इंतजार करते करते सो गई थी और उसके सोने के कुछ देर बाद ही दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। प्रमिता दरवाजे की आवाज सुनकर उठ जाती है और दरवाजे की ओर बढ़ती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि रजनीश घर आ गया है। प्रमिता रजनीश से पूछती है कि आज तुम इतने लेट क्यों हो गए, लेकिन रजनीश इसका कोई जवाब नहीं देता। और आज रजनीश दिखने में कुछ परेशान सा लग रहा था, जैसे कि ऑफिस में उसकी किसी से लड़ाई हो गई हो या फिर उसे कोई ऐसी वैसी बात पता चल गई हो। रजनीश अपने बेडरूम में जाता है और सूज उतारने लगता है और प्रमिता डाइनिंग टेबल पर बैठकर रजनीश का इंतजार करने लगती है। काफी देर हो जाती है लेकिन रजनीश बेडरूम से बाहर नहीं आता है। प्रमिता आवाज देती है कि रजनीश रजनीश क्या कर रहे हो तू, जल्दी बाहर आओ, लेकिन अंदर से रजनीश की कोई आवाज नहीं आती। और अब तक रात के 11 बज चुके थे। प्रमिता डाइनिंग टेबल पर बैठी बैठी नींद की वजह से टूल रही थी और खाना 2.5 घंटे से भी ज्यादा देर से टेबल पर रखा हुआ था। खाना पूरी तरह से ठंडा हो चुका था, लेकिन तभी रूम से रजनीश के चिल्लाने की आवाज आती है। प्रमिता जितनी भी नींद में थी वो आवाज सुनकर उसकी नींद उड़ जाती है। प्रमिता जल्दी से बेडरूम की तरफ जाती है और जैसे ही वह दरवाजा खोलकर देखती है कि रजनीश बेड पर नहीं बल्कि फ्लोर पर नीचे पड़ा हुआ था। प्रमिता जल्दी से रजनीश को नीचे से उठाती है और बड़ी मुश्किल से बेड पर लेटा देती है, क्योंकि रजनीश काफी लंबा चौड़ा और भारी भी था। और अब तक प्रमिता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इनके साथ क्या हुआ है। मैं आपको इसकी बैक स्टोरी भी बता देता हूँ। तो यह बात थी आज से लगभग 2 महीने पहले की, जब रजनीश और प्रमिता की शादी होने वाली थी। 16 नवंबर 2005 यह वो दिन था जब प्रमिता की रजनीश से शादी हुई थी, लेकिन रजनीश ये शादी करना नहीं चाहता था क्योंकि वो अपनी एक कॉलेज फ्रेंड सुष्मिता से प्यार करता था और सुष्मिता भी उसे बहुत चाहती थी, लेकिन घर वालों के प्रेशर में आकर रजनीश को प्रमिता से शादी करनी पड़ी थी। जबकि प्रमिता रजनीश से काफी प्यार करने लगी थी क्योंकि रजनीश देखने में काफी हैंडसम था, लंबा चौड़ा तगड़ा था और उसका सुडोल शरीर देखकर कोई भी लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती थी। और रजनीश की विशाखापट्टन की एक बड़ी कंपनी में जॉब लग गई थी। शादी के 2 महीने तक रजनीश और प्रमिता साथ में रहे। प्रमिता रजनीश को दिलो जान से चाहती थी, वही रजनीश प्रमिता को इग्नोर करता रहता था। और अब हम आते हैं कंटिन्यू स्टोरी पर। प्रमिता रजनीश को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रजनीश एकदम बिल्कुल बेहोशी की हालत में था। प्रमिता को पता चल चुका था कि रजनीश आज ड्रिंक करके आया है। प्रमिता बार बार उसके मुंह पर पानी चढ़कर उसे होश में ला रही थी, लेकिन रजनीश को होश नहीं आ रहा था। फिर अचानक रजनीश को होश आता है और वह देखता है प्रमिता उसके सिरियानी बैठकर उसके बालों को सहला रही थी। यह देखकर रजनीश उसे धक्का मारता है और प्रमिता बेड से नीचे गिर जाती है। यह देखकर प्रमिता काफी शॉक में थी और वह काफी घबरा भी जाती है, लेकिन तभी रजनीश अपने बैग से एक नाइफ निकालता है, जैसे कि वो नाइफ उसने पहले से ही बैग में रखा हो, प्रमिता को मारने के लिए, और प्रमिता की ओर बढ़ने लगता है। प्रमिता सहती हुई रजनीश को देख रही थी। अब मैं आगे जो आपको बताने वाला हूँ उसे सुनने के लिए अपनी पेटी कसके बांध लो, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है। प्रमिता रजनीश को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रजनीश के सामने उसकी एक नहीं चलती। रजनीश प्रमिता के पास जाता है और वह नाइफ उसके पेट में दे मारता देता है।
और प्रमिता चीखने के अलावा कुछ कर भी नहीं पा रही थी। प्रमिता दर्द से तड़पती हुई नीचे गिर जाती। प्रमिता धीरे धीरे अपनी सांस छोड़ रही थी और उसे अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन प्रमिता अभी भी जिंदा थी। यह देखकर रजनीश उसी नाइफ से उसकी गर्दन पर वार करता है और अब तक खून की नदियां बह गई थी। पूरा बेडरूम खून से लाल हो चुका था और अब प्रमिता भी सांसें लेना छोड़ चुकी थी, मतलब कि वो अब मर चुकी थी। इसके बाद 24 जनवरी 2006 यानी कि प्रमिता की मौत के दो दिन बाद आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के पुलिस स्टेशन में एक अननोन पर्सन के द्वारा एक कॉल आती है और वो अननोन पर्सन पुलिस वालों को बताता है कि नौसेना बाग वाली बिल्डिंग के फ्लोर नंबर 14 में एक शादीशुदा कपल मरे पड़े हैं और वो कॉल इस बिल्डिंग की देखरेख करने वाले एक कंपाउंडर ने किया था। पुलिस बिना देर किए नौसेना बाग की बिल्डिंग के फ्लोर नंबर 14 पर जाते हैं और वो वहां देखते हैं कि उस फ्लोर के बेडरूम में एक कपल खून से लथपथ फ्लोर पर मरे पड़े हैं और वह कपल थे प्रमिता और रजनीश। अब आते हैं हम 22 जनवरी 2006 पर, जिस दिन रजनीश ने अपनी वाइफ प्रमिता का गले पर वार करके उसे मार दिया था और जब उस वक्त उसकी वाइफ मर चुकी थी, तब वह यह सब कुछ देखता है और कहता है कि अरे यह मैंने क्या कर दिया। अब उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है। वह वहीं फूट फूट कर रोने लगता है और उसे अपनी इस गलती का इतना पछतावा होता है कि वह उसी नाइट से अपना गला भी काट देता है और दोनों के दोनों वहीं पर मारे जाते हैं। इसके बाद पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी उन्हें कोई भी क्लू नज़र नहीं आ रहा था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी उन्हें कोई क्लू नहीं मिला। और इसके बाद मजबूरन उन्हें रजनीश और प्रमिता की फैमिली को बुलाकर उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा था। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी भी जानकारी पूर्वक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसी वीडियो मिलती रहे। जय हिंद।